बॅक टू पॉकेट फुल ऑफ स्टोरीज. नवरात्रीच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आजचा दिवस आहे तिसरा आणि आजचा रंग आहे निळा. डू बिलीव्ह इन सायन्स म्हणजे तुम्हाला 111 111 111 आणि त्याचे स्क्रीनशॉट काढून मित्रांना पाठवणं वगैरे हे सगळं तुम्ही करता का? म्हणजे अर्थात काही लोक आहेत ज्यांना हे अजिबात पटत नाही किंवा याच्यावर विश्वास नाही. काही लोक आहेत ज्यांना हे सायन्स सतत दिसतात, सतत नंबर्स दिसतात, सतत त्याला म्हणतात एंजल नंबर्स. ओके, सो आय बिलीव्ह व्हॉट यू सी इज सीकिंग. तुम्हाला जर सायन्स दिसत राहिले याचा अर्थ तुम्ही कुठेतरी ते मॅनिफेस्ट करताय आणि याचा अर्थ ते तुमच्यापर्यंत पोहोचताय. आता हे मी का सांगते तर नवरात्री स्पेशल या सेगमेंटमध्ये आम्ही फेमिनाइन एनर्जी सेलिब्रेट करतो आणि तिसऱ्या दिवशी कोणाला बोलवायचं किंवा कोण कोण अवेलेबल आहे, कुठल्या दिवशी कोणाचं शूट ठेवायचं हे जेव्हा मी खुशबूशी डिस्कस करत होते तर या व्यक्तीशी मी बोलले की तुमची कुठली डेट अवेलेबल आहे, मग आपण भेटूया का? आणि ती व्यक्ती म्हणाली हो हो हो. मग आम्ही एक जनरल डिस्कशन चाललं होतं की ठीक आहे तिसरा दिवस, हा ही ही व्यक्ती आणि रंग कुठला आहे निळा. तर आता कनेक्शन हे आहे की ही जी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीचा आवडता रंग निळा आहे. तिचं इन्स्टा पेज जे आहे ते सगळं एक सुंदर निळ्या रंगाचं पेज आहे. ती जे करते म्हणजे आयुष्यात ती जे करते त्याच्याशी आकाशाचा आणि आकाशाच्या रंगाचा खूप जवळचा संबंध आहे. आता याला काय म्हणू, मी सायन्स म्हणू का काय म्हणू म्हणजे. सो आय एम व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड टू टॉक टू रेशम गौरी. हाय रेशम, गुड टू मीट यू. थँक यू, सेम हियर. सो रेशम ही एक टॅरो कार्ड रीडर आहे. मी तिचं ना मुद्दाम फार इंट्रोडक्शन देणार नाहीये कारण तुम्हाला उलगडत जाईल या एपिसोडमध्ये की ती काय काय आणि किती काय काय करते. हा एपिसोड आपला हिंदीत असणार आहे कारण रेशमला मराठी येत नाही, तिला मराठी थोडं थोडं कळतं जे मध्ये मध्ये मी जरा विचारेन आपल्या मराठीत तिला, पण मोस्टली तिच्या कम्फर्टेबल लँग्वेज मध्ये हा इंटरव्ह्यू होणार आहे. सो आपको समजा मैंने अभी क्या बोला? माझा समजला. ओहो, रेशम आप यार क्या क्या करते हो? मतलब आप हीलिंग करते हो, आप आकाशिक हीलिंग करते हो, टैरो पढ़ते हो, आप हाथ भी देख के बताते हो, आपको विजन पर ही एक अपनी चालती फिरती मैनिफेस्ट है. तुम्हें मैनिफेस्ट सीजन बघितला असेल आणि तुम्ही जर मैनिफेस्ट ही सीरीज पाहिली असेल तर ही आपल्याकडे एक लाइव उदाहरण आहे जिला विजन येतात, जिसको पता चलता है कि यार कुछ गलत होने वाला है और आप लोगों को बताते हो, आपको लोगों को हील करते हो, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं. तो ये जो फेमिनाइन एनर्जी है इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि की. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू, विश यू द सेम. और थैंक यू, आप मेरे लिए आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत थैंक यू. आपने मुझे बुलाया एंड योर ऑरा एंड द ब्यूटिफुल सेट इज सो अमेजिंग. थैंक यू रेशम. रेशम मुझे आपको पूछना था कि हम ना जब पढ़ाई कर रहे थे कि आपको क्या क्या पूछना है और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में कैसे पूछ रहे, तो हम लोग ना ऐसे देख रहे थे टैरो रीडर्स कौन कौन है क्या क्या है. तो मुझे ऐसे लगा कि यार टैरो का रीडर्स मैक्सिमम लड़कियां है ना. बिल्कुल. तो उसके पीछे कुछ मतलब ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा कुछ रीजन है कि आई थिंक फीमेल्स की इंट्यूटिव एनर्जीज जो होती हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं. जैसे कि एक मदर की एनर्जी होती है ना, मदरली एनर्जीज होती हैं सारी विमेन के अंदर. जब वो एक बच्चा भी है ना, व्हेनेवर शी इज बॉर्न, तब से ही वो अपने सिबलिंग्स के लिए कितनी केयरिंग होती है. है ना, छोटे भाई के लिए, इवन बड़े भाई के लिए भी उनको एक मदरली एनर्जीज होती हैं उनके अंदर. सिमिलरली अगर कुछ ऐसा लगता है ना कि कुछ बुरा होने वाला है ना, उनको मन में ऐसे घबराहट जैसा फील होता है, तो वो भी एक इंट्यूशन है. कि वो एक मूवी था ना कभी खुशी कभी गम, उसके अंदर वो शाहरुख आने रहता है हेलीकॉप्टर पे जया बच्चन जी को, शी गेट्स दैट्स आल्सो इंट्यूशन. एंड सिमिलरली ये हम में से बहुत विमेन्स के पास होता है. कुछ लोग उसको यू नो एक्नॉलेज करते हैं और कुछ लोग उसको नहीं जान पाते. एंड एक और रीजन है बहुत बड़ा कि एज विमेन ना हमारे हार्ट सॉफ्ट बहुत होते हैं, तो हम दूसरे इंसान को ना वैल्यू कर कर सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को उनकी, हाँ वो एम्पैथेटिक होते हैं, एम्पैथ, इसीलिए एक ये वर्ड है ना एम्पैथ. तो टैरो रीडिंग प्रोफेशन के अंदर आपको पहले गुड लिसनर बनना है, है ना, जो कि आई थिंक एक विमेन है. और आई थिंक मेल्स भी टैरो रीडर्स बहुत अच्छे हैं, वो भी अपने फेमिनाइन एनर्जी को चैनल करते हैं. एग्जैक्टली राइट. तो फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो बोलते हैं ना शिव शक्ति, ठीक है,
ठीक है, दैट्स दी एनर्जी. तो वो दोनों का जो बैलेंस होता है, लेकिन जो जिस टाइम पे हम एनर्जी को चैनल कर कर रीड करते हैं तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा ओवरपावर्ड होती है. ब्यूटिफुल. मैं जब भी आपसे बात करती हूँ रेशम, यूजली मैं बहुत बात करती हूँ. आपने अभी जब भी बोला ना कि हम बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, मैं हूँ अच्छी लिसनर, पर मैं बातें भी बहुत करती हूँ और मुझे लिसनर्स पसंद है. लेकिन आप जब बात करते हो ना तो वैसे मेस्मराइज हो जाती हूँ मैं. रेशम आप बोलते रहो और क्या क्या चीज़ें आप बोलते रहो. सो ही तिची एक जमेची बाजू है. आणि मला असं वाटतं की जे रेशम आता सांगते आपल्याला की शिवशक्ती सगळ्यांमध्ये आहे, टॅरो कार्ड रीडर्स मेल पण आहे, पण आपल्याकडे जे इंट्युशन आहे ते खूप छान स्त्रियांनी वापरलं आहे. आणि मॅक्सिमम टॅरो कार्ड रीडर्स जे आहे, जे आम्हाला असं वाटते की स्त्री आहेत, कारण त्यांनी त्यांची फेमिनाईन एनर्जी त्या पद्धतीने वापरली आहे. मी रेशमचं पेज जेव्हा पाहिलं तेव्हा ना तिचं एक लाईव्ह रेकॉर्डिंग तिने पोस्ट केलं होतं, ज्यात तिने ना टॅरो कार्ड्सबद्दल सगळी माहिती दिली होती की तुम्हाला हे कार्ड आलं तर त्याचं मिनिंग काय आहे, ते कार्ड आलं त्याचं मिनिंग काय आहे. युजली मला असं वाटतं की आपल्याकडे नॉलेज असेल, मतलब अगर हमारे पास किसी चीज़ का नॉलेज है तो ना लोग बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये ना एक्चुअल में बहुत लोग नहीं करते. बिल्कुल. चीज़ उनके पास है ना तो बताएंगे नहीं. बिल्कुल. अगर आप बोलोगे ना कि यार तेरी स्किन तो इतनी चमक रही, क्या लगाती है, नहीं मैं तो कुछ नहीं लगाती. ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, लेकिन रेशम के पेज पे मैंने देखा कि ये तो सब बता रही है, ये तो हर चीज़ बता रही है. तो रेशम ये क्या मतलब, और मुझे लगता है इसीलिए आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि आप अपने पास कुछ रखती नहीं हो, आप यार दे देते हो ऐसे ही, क्या है मतलब. आई थिंक ये सिर्फ टीचिंग में नहीं, इट कम्स नेचुरली टू मी एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो. कि स्टार्टिंग में मैं देती थी, लेकिन मेरे को इन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होती थी चीज़ों की. इन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एज इन कि अगर मैं किसी को प्यार करूँ तो कोई भी मुझे प्यार करे, है ना. अगर मैं अपनी फ्रेंड के लिए अवेलेबल हूँ तो वो भी मेरे लिए अवेलेबल रहे. अब भी मैं सभी लोगों के लिए, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, देयर फॉर देम. बट इन रिटर्न जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो वही पेन का सबसे बड़ा कारण है. सो दैट्स वॉट स्पिरिचुअलिटी हैज टॉट मी, कि आप सिर्फ देना सीखो, आपकी झोली भगवान अपने आप भर देगा. एंड इसका मैं एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ कि हम एस्ट्रोलॉजर्स को, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो बोलते हैं कि यू नो थर्सडे को पीला पहनो, या इस चीज़ का दान करो, या वेंसडे को ये करो एंड सैटरडे को ये करो. और हम इतना ज़्यादा परेशान हो कि वो चीज़ें करते हैं. करना चाहिए, इट्स ओके. ठीक है, किसी को आप गरीब को दान कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमारा एक सेल्फिश रीज़न आ गया. करेक्ट, है ना. उसके अंदर हमारा एक सेल्फिश रीज़न आ गया कि अगर मैं ये करूँगी तो उसके रिटर्न में मेरा कुछ भला होगा. करेक्ट, है ना. तो अगेन फिर वो चीज़ हमने अपने सेल्फिश रीज़न से कर ली. हमें हमारे जो दादी नानी थे बोलते थे, कर भला सो हो भला. जेन्युइनली इस इंटेंशन से अगर हम किसी को दें कि चाहे मेरा भला हो चाहे नहीं हो, चाहे मेरे को इस रेमेडी से कोई फायदा हो चाहे नहीं हो, उस इंसान का, वो बोलते हैं ना, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए. सो आई थिंक आई लिव माई लाइफ बाय दैट एग्जाम्पल. एंड विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की कृपा रही है हमेशा से, कि एक इंटेंशन रही है तो हमेशा उन्होंने मेरी झोली भरी है बिना मांगे. मैंने अपनी लाइफ में टचवुड कभी भी मनी मैनिफेस्ट नहीं करा, कभी भी. आपने बोला था एक वीडियो में, कभी भी नहीं किया, पर वो अपने आप ही. और बोलते हैं ना कि अगर मेरा हाथ कभी बढ़े ना तो सिर्फ देने के लिए बढ़ना चाहिए, लेने के लिए नहीं. नवरात्रि के टाइम पे मैंने देखा है बहुत, जैसे आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो वहाँ पे देवी माँ, नाइन गर्ल्स, नवरात्रि का ही है फिजिकली, तो नाइन गर्ल्स को बुलाया जाता है, या सेवन गर्ल्स को बुला के उनकी अष्टमी या नवमी की पूजा करी जाती है. ठीक है, तो उस दिन सारी आंटियाँ निकली हुई होती हैं घर के बाहर लड़कियों को ढूंढने के लिए कि यू नो आ जाए, हम उनकी पूजा कर दें. एंड जब उनके घर में अपनी बेबी गर्ल होती है तो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं लोगों को, जैसे पता नहीं क्या. मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं सुन सुन के परेशान हो गई थी कि पोते को खिलाएंगे, पोते को खिलाएंगे. सच में बहुत. एंड इट वॉज सो सो डिसहार्टनिंग. हाँ, डिसहार्टनिंग. एंड उस टाइम पे भी ना मैं यही सुनती थी, एगिरी नंदिनी, ठीक है, जो कि महिषासुर मर्दिनी. तो नवरात्रि जैसे ही ख़त्म हुए, छोटी दिवाली वाले दिन, मेरे घर में मेरी डॉटर आई, लक्ष्मी रूप, या ऐसे बोलते हैं ना घर में लक्ष्मी, चलो घर में लक्ष्मी आ गई, वो वाला नहीं, रियल लक्ष्मी.
रियल लक्ष्मी आई छोटी दिवाली वाले दिन एंड गॉड कैसे ब्लेस करते हैं भाई। आपने एंजल नंबर्स बोला, मुझे इतना नंबर 26 दिख रहा था बहुत दिनों से एंड 26 अक्टूबर को ही मेरे बर्थडे वाले दिन ही माय डॉल केम इन माय लाइफ। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है ये। और नंबर्स का आपने बोला यार, ये मुझे लगता है कि लोगों को भी ये बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि नंबर्स का क्या है, क्योंकि ना मुझे भी हम लोग बहुत सारे दोस्त एक भेजते रहते कि 11 दिखा, मैं तो स्टोरीज भी डालती हूँ कि आई ट्रूली बिलीव इन दैट। लेकिन जिनको पता नहीं है या फिर जिनको पता करना है, जैसे 11 है, 1 2 3 4 है, तो आप ना कुछ ऐसे 3-4 नंबर्स बोलो। बिल्कुल, तो जैसे आप बोल रहे हो एंजल नंबर्स हैं, या कई बार सिर्फ नंबर्स ही नहीं साइंस भी हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम शायद इतने लॉस्ट होते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे, हम उनका ध्यान नहीं दे पाते है ना। तो जैसे मैंने हम अगर हमें कोई चीज़ रिसीव करनी है ना, तो हमें उसको ओपन हैंडली रिसीव करना है। ऐसे करके रहेंगे, हाथ बंद कर लेंगे हम, अगर कुछ अपने गुरु से भी सीखना चाहते हैं और हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ का कि मेरे को तो सब आता है, तो जिस दिन हमने ये सोच लिया मुझे सब आता है, यूनिवर्स से ज़्यादा मैं ऊपर हूँ, या जैसे कई लोग क्लेम करते हैं कि यू नो भगवान से भी वो ऊपर हैं, ठीक है, तो फिर वो चीज़ कोई रिसीव नहीं कर पाते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो जैसे एंजल नंबर है 1111, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन दिखने वाला नंबर है। इवन जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं उनको भी ये दिखता है नंबर, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर का जो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल साइड है ना, वो एक मैसेज उनके लिए लेकर आ रहा है अवेकनिंग का, ठीक है। तो आपका बार बार ना एंजल्स उस तरफ ध्यान लेकर जाएंगे 1111 पे। तो इसका मतलब ये है, जो भी आपकी लाइफ के अंदर मुश्किल की घड़ी है उसके अंदर आप अकेले नहीं हो, आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है 1111 एंड जैसे 2222 है, ये भी आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस बताता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर का एक ही मीनिंग होगा। हाँ, तो जैसे 3333 है, ये हमारे मास्टर्स का नंबर है, ठीक है। जैसे आपके जो मास्टर्स हैं, आपके जो सेंट्स हैं, गुरुज हैं, सेंडेड मास्टर्स हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन फॉर्म्स में थे, जैसे कि कृष्णा थे, लॉर्ड राम थे, इनका ह्यूमन अवतार में जन्म हुआ था, तो ये जो है आपका साथ दे रहे हैं। ये आपके गुरु भी हो सकते हैं, कि आपका गुरु भी आपका साथ दे रहे हैं। 4444 या 444 वाली जो एनर्जी है, ये आपकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं कि अवेयर हो जाओ कि कोई प्रॉब्लम जो है हो सकती है, उसको बताते हैं। फिर 55 जो वाली जो सीरीज है, वो ये बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर आप दुखों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ये 4 और 5 का एक सिमिलर सीरीज के अंदर आता है। अब एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो 666 है, 666 है और 666 है ना, उसके अंदर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 666 दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट्स द नंबर ऑफ यू नो वीनस, मनी कमिंग एंड अबंडेंस, ये बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन अगर वो 666 हो जाता है ना, तो दैट्स काइंड ऑफ अ नंबर ऑफ अलार्मिंग नंबर, एंड कि बहुत ज्यादा आप आगा हो जाओ। वो नंबर आपको एंजल्स ही दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं डेविल्स नंबर, उसको बोलते हैं। बट नंबर आपको एंजल्स ही दिखा रहे हैं कि 666 या तो आपकी लाइफ में कोई इंसान अलर्ट हो जाओ। हाँ, अलर्ट हो जाओ। किसी इंसान का तो इंटेंशन अच्छा नहीं है, या जिसके साथ आपका दोस्ती है या रिलेशनशिप है, उस इंसान से भी अवेयर रहो। फिर हमारा 7 की जो सीरीज आती है, वो भी हमें बोलते हैं कि हार्डवर्क से मत डरो। 8 की सीरीज भी, 7-8 की सीरीज सिमिलर लाइन में चलती है। 8 की सीरीज है कि जो भी आप टास्क कर रहे हो, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड देन फिर हमारी जो 9 की सीरीज आती है, उसका अंदर बहुत एक कम्प्लीशन के आप बहुत ज्यादा पास हो। 9 की सीरीज हमें ये बताती है। माला एक खूब आश्चर्य वाटतं कायम की जे आपण देवींबद्दल बोलतो किंवा दुर्गा देवी आहे, महाकाली आहे, या सगळ्या देवांकडे किंवा ही जी दैवी शक्ती आहे, त्यांच्याकडे त्याग हा भरभरून त्याग करण्याची वृत्ती त्यांच्याकडे होती। आपली आई कायमच आपल्याला माहिती आहे की आपल्यासाठी जेवणार नाही, आपण आल्याशिवाय काही खाणार नाही, तीही त्याग। त्यानंतर आपली पृथ्वी म्हणजे आपली मदर अर्थ, इतकं आपण काय काय करत असतो तरी सुद्धा एक आपल्याला छान ऑक्सिजन मिळतोच आहे आणि छान पॉझिटिव्हिटी मिळतेच आहे। तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला माहीत नाही, पण अमृता देवी नावाची जी व्यक्ती होती, त्यांनी जसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने पेड़ को हक कर लिया था, सैक्रिफाइज्ड हर लाइफ, शी सैक्रिफाइज्ड हर लाइफ फॉर मदर नेचर। म्हणजे हे किती लोक असं करतात, आणि मला वाटतं की अर्थात आपण त्यांचं सॅक्रिफाईस, त्यांचा त्याग इतका ते सेलिब्रेट करतो, पण मला असं वाटतं हे जेव्हा आपण काहीतरी आपल्यातलं देत असतो तेव्हा त्या व्यक्तीचं काय होत असेल, किंवा सॅक्रिफाईस केल्यानंतर ती स्वतःला कशी प्रोटेक्ट करत असेल,
असा मला प्रश्न पडला आणि मला हेच रेशमला विचारायचंय की डे टू डे बेसिस पे आप लोगों को हील करते हो, आप आकाशिक हीलिंग करते हो, आप टैरो करते हो, आपको विजन आते हैं, फिर आपको अगर थोड़ा भी कुछ लगता है तो आप लोगों को फोन करके उनको हील करते हो, इतना एनर्जी एक्सचेंज रेशम, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हो आप? या फिर इतना एनर्जी एक्सचेंज ऐसे नहीं लगता है कि यार कितना नेगेटिविटी ले दो मैं लोगों से, मतलब मेरे को नहीं चाहिए इतना नेगेटिविटी, ऐसा नहीं लगता कभी आपको? आई थिंक सेल्फ प्रोटेक्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका मैं एक टिप भी दूंगी लास्ट में, लेकिन अभी के लिए तो ना अगर मैं बिल्कुल ही एनर्जी ड्रेन हूँ और मेरे को कोई अपना कोई काम करना है, मुझे ऐसा कंटाल आता है कि नहीं यार नहीं करना, बट अगर मेरा कोई क्लाइंट या फॉर एग्जाम्पल अगर यू ऑल्सो कॉल मी या समवन हु नीड्स मी या हीलिंग उसको चाहिए, पता नहीं भगवान कहाँ से लाके, देवी जैसे हम बोलते हैं कहाँ से लाके एनर्जी देते हैं, इवन आई डोंट नो दैट. तो व्हेन द पर्सन नीड्स दैट हीलिंग आई बिकम द चैनल फॉर हीलिंग एंड मे बी दिस बॉडी बिकॉज आई एम अ मदर एंड यू नो आई गेन अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. आपकी बॉडी पहले सबसे पहला सेक्रीफाइस करती है बिकॉज हमारी बॉडी एक पूरे एक ऑर्गन बनाते हैं. फीमेल पावर की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ फीमेल मतलब विमेन ही एक ऐसा प्रेगनेंसी एक ऐसा वो है पोर्टल कि आप दूसरे रेम के स्पिरिट्स को अपनी बॉडी के थ्रू बर्थ दे सकते हो. तो इससे बड़ा मैजिक और क्या क्या ये हो सकता है. और अगर कभी कुछ भी लगे, कुछ भी अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप अपने पेज का नाम बताओ. मेरे पेज का नाम है टैरो ट्री ऑफ लाइफ और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इनको DM कर सकते हो. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको रीडिंग करवाना है, हीलिंग करवाना है, तो आप प्लीज़ करवा लो. आई हैव एक्सपीरियंस इट ऑल एंड आई मस्ट से दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. रेशम नवरात्रि के अवसर पे जो ब्लू कनेक्शन आपका यहाँ पे आया है, आपको ब्लू पसंद है, फिर हमने आपको जब भी बुलाया उस दिन ब्लू ही निकला, तो ये जो सब कनेक्शन है उसके लिए आई वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो. और रेशम ये सब अच्छे से करते रहना और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी इसका पार्ट बनूं और मैं भी थोड़ा बहुत कुछ अगर लोगों के लिए कर सकूं तो डेफिनेटली लोगों को हील करने के लिए मदद करूं. और एक बात बताती हूँ आपके लिए है फॉर हर स्पेशली एंड ट्री ऑफ लाइफ जो मेरे पेज का नाम है ट्री ऑफ लाइफ यू आर लाइक दैट. जितना आप बाहर से खूबसूरत हो, जितना आप टैलेंटेड हो, उतना ही आपकी रूट्स के साथ आप ग्राउंडेड हो और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अपनी ग्रोथ को किसी भी प्रोफेशन के अंदर दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं कि पौधा बाहर से कितना यू नो खूबसूरत लग रहा है या उगा हुआ है, उसके अंदर रूट्स कितनी स्ट्रांग है. एंड यू आर वेरी ग्राउंडेड, योर रूट्स आर वेरी स्ट्रांग एंड यू हैव बीन रेज्ड बाय वेरी वेरी अमेजिंग मदर, वेरी अमेजिंग मदर. आई कैन वॉच दैट. थैंक यू सो मच. जाने से पहले मुझे आपसे ये बोलना था कि आप जो बोल रहे थे ना रेमेडी देने वाले थे आप प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी के लिए, तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है. नमक हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही चीप प्राइजेस पे भी अवेलेबल होता है, तो इसको सब कर सकते हैं. तो आपको कांच की बाउल लेनी है, ठीक है, उसके अंदर आपको मुट्ठी भर नमक डालना है यू नो एंड उसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी रख देना है. अब आप उसको ना अपने घर के जैसे एंट्रेंस के कॉर्नर पे है ना या फिर आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर के अंदर, डायरेक्शन डजंट मैटर, आप उसको किसी भी कॉर्नर के अंदर रख सकते हैं. अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई घर में लोग आए हैं बहुत ज़्यादा, अगर विजिट्स रहती हैं आपके घर में, कई बार हमारे प्रोफेशन की वजह से भी होती हैं, तो उसके बाद आप उसको फ्लश कर सकते हैं शाम के टाइम में. दैट्स ऑल. बहुत आपको लाइट फील होगा एंड एट द सेम टाइम अगर नेगेटिविटी घर में नहीं, आपको खुद से फील हो रही है नज़र या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो चुटकी भर नमक अपने पानी की बाल्टी के अंदर डाल के उससे आप नहाना शुरू कर दो सैटरडे से स्टार्ट कर. तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लेंस करेगा, आपकी बॉडी की जो सोल मसल्स हैं साइंटिफिकली भी उसको. थैंक यू सो मच रेशम, थैंक यू सो मच. और आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग. अरे हाँ, मेरी दोस्त है जनसन आवा है, कहते कि सराफ आणि आरती मोरे यांचा एक ब्रँड आहे मधुमक्खी. रिसायकल्ड गोष्टींपासून हे खूप छान छान कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स बनवतात. तुम्ही त्यांचं मधुमक्खी हे पेज इंस्टाग्रामवर चेक करा आणि त्यांच्याकडनंच आम्ही रेशमला एक छोटंसं गिफ्ट देतोय. सो दिस इज थँक्यू. येस, थँक्यू सो मच फॉर कमिंग एंड थँक्यू मधुमक्खी ऑल्सो. अँड आप भी कुछ लाओ. लो कर लो बात यार. अभी मैं बोल रही थी बॉडी इज लाइक अ ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, तो जितना वो बाहर ग्राउंडेड है और इतना ज्यादा स्पिरिचुअल भी है
तो ये मेरी मर्चेंडाइज की तरफ से आपके लिए ये बुद्धा हीलिंग का डेक एंड ये आपके लिए बुद्धा का फ्लेवर। थैंक यू यार रेशा, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। मी यार मेसेज केला होता की बहुत क्यूट लग रहे, कारण हे हे असं बुद्धाचं वर्जन आपण नाही पाहिलं, सो हे स्वतः क्रिएट केलंय आणि त्याचे कार्ड्स पण आहेत, तुम्हाला जर हे कार्ड हवे असतील तर तुम्ही तिच्या पेजवर जाऊन तिला मेसेज करू शकता। सो थैंक यू रेशा, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी होते खूब चांगला मराठी शिकवला आपण या मुलीला ना, आता जरा मराठी सांगा की पॉकेटफुल ऑफ स्टोरीज ला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पॉकेटफुल ऑफ स्टोरीज ला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। फॅन्टॅस्टिक, आणि नेक्स्ट एपिसोड साठी बेल आयकॉन दाबा म्हणजे तुम्हाला कळेल कधी एपिसोड येतो।